पाने के लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है, वरना आदमी सोचता है कि यार फेम पाने के लिए अच्छा गुरु का होना जरूरी है, अच्छे दोस्त होना जरूरी है, जो आपके मुंह पे ही नहीं आपके पीठ पीछे भी आपकी अच्छाई करे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंटरव्यू गीक्स एंड दिस इज दिव्यांश शर्मा। आज का इंटरव्यू काफी खास है हमारे लिए क्योंकि हम हैं मिस्टर दिल्ली 2019 के घर में, जिनका नाम है सुमित दास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। भाई ने जो अपनी जर्नी ये मिस्टर दिल्ली 2019 तक ट्रेवल की है, ये काफी खास है। खास इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सारे रिसोर्सेस हाथों में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिसोर्सेस खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं और खुद एक लेवल तक पहुंचते हैं। इस इंटरव्यू को करने के हमारे दो रीजंस हैं। पहला रीजन है कि हर किसी के लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, फिटनेस तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई अपने आप को फिट कैसे रखें। अब दूसरा जो सेक्टर है वो है फिटनेस और लाइफस्टाइल सेक्टर, जो कि काफी ग्रूम कर रहा है और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। लोग इसमें काफी अच्छा करियर बना रहे हैं इस वक्त और कुछ लोग बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बीइंग एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, फिटनेस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच स्टूडेंट्स नीड टू हैव विद प्रॉपर रिसोर्सेज एंड विद प्रॉपर नॉलेज। सो फॉर दैट वी हैव समवन हु हैज द प्रॉपर नॉलेज ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। सो भैया पहले आप ये बताओ कि आपकी ये जो जर्नी है एक नॉर्मल इंसान से, जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, उससे मिस्टर दिल्ली 2019 तक की जर्नी, इसके कुछ पॉइंट्स बताओ कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या रहा? पहले तो थैंक्स विंस भाई कि आपने इस लाइक समझा मेरे को कि मैं किसी की मेरे बारे में आप किसी को बताऊं, वरना जो हमारी ये लाइन है कितने ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक बेस बना हुआ है कि नहीं हमारा रेंट आ रहा है, हर तरीके से हमारे पास सुविधाएं हैं, पर हमारे पास ना ही हमारे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि हमारा कोई लाइन रहा है बॉडी बिल्डिंग का या कुछ भी नॉर्मल। हमारा भी बस एक हमेशा पैशन रहा है कि मुझे एक अच्छा दिखना है, शुरू से ही था। अभी कुछ भी बोलो कि क्या है, पागलपन था ये, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुछ पाने के लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है, वरना आदमी सोचता है कि यार अरे वाह यार ये कपड़े में कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी एक कपड़ा खरीदूंगा। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसको उसने पहनने के लिए काफी कुछ मेहनत करी, उसके अंदर की मेहनत नहीं देखता आदमी, उसके ऊपर की मेहनत देखता है कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है। तो ये नहीं कि वो अच्छा लग रहा है इसका मतलब आप भी अच्छे लगोगे, उसने उस अच्छे के लिए बहुत कुछ करा हुआ है, उसके पीछे की चीज देखो, उसको कोई नहीं देखता आजकल, उसके साथ भिड़ जाता है कि नहीं ठीक है इसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर यही है कि पहले अपने आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, देख कर नहीं कि नहीं यार वो ऐसे कर रहा है मुझे भी ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे जाके आप उसको बैक आ जाते हो। यहाँ पे 45 साल हो गए हैं नॉर्मल, मैं पीसीओ में ही अपना मैंने करियर चालू किया, अपना पीसीओ फोटोशूट करता था, काफ़ी लोग जानते भी हैं कि भाई शुरू से एक पीसीओ के उसमें काम करा है। तो पर मेरी इच्छा हमेशा थी कि मुझे जिम जाना है, मुझे और कुछ नहीं था। उसके लिए मैं सारा दिन काम करता था कि नहीं ठीक है कुछ भी हो, पर मुझे 9 बजे का इंतजार करता था रात के कि नहीं मुझे 9 बजे जिम जाना है। इसके लिए मैं सारा दिन ऐसे बिताता था कि बस कितना काम कर सकूँ उसके लिए मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए फाइनेंशियल ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है कि बेटा तू कर, ये ले पैसा, ये ले गड्डी और तू जिम जा ऐस कर, ऐसा कुछ नहीं था ठीक है। और आजकल तो ज़्यादातर जो भी हैं ये लोग, क्योंकि काफ़ी महंगा गेम है ये, लोग सोचते हैं कि नहीं बिना डाइट के बिना इसके मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में एक डाइट बहुत ज़रूरी है, हमारा मेन रोल है। शुरू में जब मैं फोटोशूट करता था नॉर्मल पीसीओ में था तो पर डे 30-40 रुपये मैं एक्स्ट्रा कमाता था अपने लिए, रात को जाना 11 बजे तक 10:30-11 बजे तक वर्कआउट करना, आके घर में वही दाल चावल जो मिल जाता था ठीक है, क्योंकि घर में सब सो जाते थे, जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, पानी पिया नॉर्मली बस सो गया। 4-5 साल ऐसे ही करता रहा मैं ठीक है, काफ़ी देखा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं रहा बॉडी में कि नहीं कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, छोड़ दे। काफ़ी लोग दोस्तों ने कहा कि बस यार हो गया अब वापस आ जाओ भाई अपना देख लो कुछ, तो मैं उनके भी सुनता था कि ठीक है कोई बात नहीं आप अपनी जगह ठीक हो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे कुछ करना है तो करना है चाहे कितना ही टाइम लग जाए कितना ही वक्त लग जाए। सही लाइन पे आने के लिए अच्छा गुरु का होना जरूरी है, अच्छे दोस्त होना जरूरी है, जो आपके मुंह पे ही नहीं आपके पीठ पीछे भी आपकी अच्छाई करे, क्योंकि आजकल मुंह पे करने वाले बहुत है और पीछे पलटते ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं दूसरों को, ये आप समझ सकते हो, आप भी अच्छे जानते हो, खासकर हमारे इस एरिया में तो ज्यादा ही ऐसा कि आपके पैर छू रहे हैं और पीठ पीछे कर रहे हैं पागल है सारा ठीक है, ऐसे बहुत है, हमें भी चलना पड़ता है, ये हम समझते हैं, काफी एज हो गई मेरी भी लगता नहीं अलग बात है बस यही है। तो दिवंश भाई यही है कि हिम्मत मत हारो, सबसे टफ जॉब आपका सबसे टफ है ये लाइन बॉडी बिल्डिंग, मेरे मानना है
बाकी हर किसी को अपना फील्ड वही लगता है, मानता हूँ, मेहनत हर चीज में, हर चीज अच्छी है, आपको बस अपने आप को फिट रखने के लिए तैयार करना होता है, और बेस तैयार करना होता है कि नहीं मुझे ये करना है, या फिर आप नॉर्मली वर्कआउट करो, उठो सुबह उठो, अपना 6 बजे उठो, अपना मॉर्निंग वॉक कर लो, अच्छा डाइट लो, घर पे अच्छी डाइट बनाओ लोगों को, और एक इंटरेस्ट रखो कि नहीं मुझे आज कुछ अच्छा बनाना है, आज कुछ अच्छा सीखना है जिसमें हमारे फैट की मात्रा कम हो, ऑयल नहीं हो, ये सब चीजें रखो, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर देखो उसे ट्राई करो, ये नहीं कि यार कुछ नहीं हो रहा यार कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हर अच्छा कुछ होने के लिए वक्त लगता है, ठीक है, उसमें टाइम दो, जितना टाइम दोगे आप ही सीखोगे, ऐसा नहीं है कि आप बैक आ जाओगे, हो सकता है वही आपका फील्ड था, आपको तब भी आपको रिजल्ट मिलने वाला था, आप तभी बैक हो गए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें डेली करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सकें, है ना, क्योंकि अगर हम जैसे मैं कपड़े पहन रहा हूँ, अब अगर मैं मोटा सा हूँ गंदा सा हूँ तो मुझे खुद ही बेकार लगेगा, लेकिन अगर मैं फिट हूँ तो मुझे ये लगेगा ठीक है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिटनेस क्या लेके आते, कॉन्फिडेंस लेके आते, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें डेली करते रहना चाहिए ताकि हम फिट रहें और घर पे ही करते रहें। पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले ना अपने आप से प्यार करो, अब अपने को शीशे में देखो, हजार बार देखो, और ये लोग कहते हैं ना क्या देख रहा है, नहीं देखो अपने आप को अच्छी तरह देखो कि आप क्या लग रहे हो यार, आप हर आपके बॉडी में क्या कमी है, दूसरे तो खैर हमेशा कमी को ही बोलते हैं, अच्छाई को तो बहुत कमी बोलते हैं लोग, अच्छे को तो आपको बोलेंगे, आप कमी को बोलेंगे यार टी शर्ट बहुत अच्छी पड़ी यार तेरा पेट यार, ठीक है, तो जस्ट यही है कि क्यों आपको भी बोलते हैं तो उसको आप उसमें बहुत जलने वाली बात नहीं है, आप उसे सीखो कि अच्छा आप पेट तो आप ये नहीं रहेगा, पहले अपने आप से चैलेंज करो कि नहीं मैं इधर टाइम दे रहा हूँ अपने आप को, इस शीशे में ये चीज आगे नहीं दिखेगी, उसके लिए वो जो करना है वो करो, जैसे कि आपको नॉर्मली आप देखो आपको आजकल यार आप जैसे भाई लोग कितना कुछ कर रहे हो कि करियर के लिए यूट्यूब वगैरह में आप आपका चैलेंज अच्छा वो कर रहा है आगे कि उसमें सर्च करो, उसमें देखो कि यार इस बंदे ने क्या किया है, कितना वक्त लगाया है, और हर चीज ऐसी थोड़ी मिल जाती है यार कि यार हमारे जिम में तो नॉर्मली है गुरुजी मुझे सिर्फ बाइसेप्स चेस्ट यही बनाना सर और कुछ नहीं, अरे यार कोई मजाक है क्या यार, मतलब कोई ये पेड़ में है कि ये तोड़ा और भाई लगा देना जरा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बाइसेप्स ये सब चीजें आप पहले ये मत सोचो मुझे बॉडी बनानी है, आप सोचो मुझे फिट रखना है, फिट मतलब आप डॉक्टर से दूर रहते हो यार, आप खुद सोचो आप डॉक्टर को पर विजिट आप 500 रुपए देते हो, हंसते हुए देते हो और सर ठीक तो हो जाऊंगा ना ये बोलते हो, और आप ये 1 month के 500 फीस है मेरे जिम की ओनली, उसमें भी आप मेरे को इतना कुछ बोलते हो कि सर मेरे को ये भी चाहिए, मेरे फिट भी दिखना चाहिए, मेरे लुक भी चाहिए और मेरी बॉडी भी बननी चाहिए, तो आप यही सोचो ना कि आप एक बंदे को सिर्फ 10 मिनट के 500 रुपए देके आते हो और दवाई के लिए अलग से लेके आते हो उसके लिए, और मैं आपको दवाई नहीं देता हूँ, मैं आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक जगह दे रहा हूँ आपको कि नहीं आप यहाँ पे आओ वर्कआउट करो अपना एक पसीना हो कि बॉडी में पसीना निकलना बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है, घर के अंदर बैठे हुए हो पबजी खेल रहे हो ठीक है हाँ खाना मिल गया हजम हो रहा है डाइजेस्ट तो अच्छा हो रहा है चाप ले लिया आज बर्गर खा लिया, मैं तो फिट तो हूँ यार, पता चलता है जब आप जिम आते हो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो कोई स्पोर्ट्स में जाते हो अरे वो थकावट क्यों हो रही है, ये वही होती है ये चीजें वही होती है जो आपकी कमियां आपको बताती है कि देख भाई तुम ये हो, आज आप मेरे जिम में बहुत आते हैं लड़के कि सर मेरे इस हाथ में तो बहुत पावर है इससे तो उठ ही नहीं रहा मैं कब से सर मुझे आज पता लगा, तो ये चीजें हैं क्योंकि अपने आपको पढ़ रहे हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है पढ़ना तो बहुत जरूरी है ठीक है, पर साथ में अपने फिटनेस लेवल को भी लेके जाओ क्योंकि अगर आपका बॉडी फिट नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे किसी के सामने खड़े होकर आप बोलोगे यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ तो आधा ध्यान तो आपका वहां चला गया, आप जिम जाते हो आप फिट हो पसीना बहाते हो रोज आपको पता है कि मेरे अंदर एक पावर है, तो आप चाहे आपने कुछ भी पहन रखा हो चाहे कुछ भी ना पहन रखा हो आपको पता है कि मैं क्या हूँ यार ठीक है ना, तो आप जो जवाब नहीं देना दे पा रहे हो उसको भी आप 10 बार अच्छी तरह जवाब दे सकते हो कि यार तुम्हें जब कुछ नहीं पता मत बोलो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है मैं कैसे ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर यही है कि पहले खुद सोच लो कि नहीं मुझे करना है और करो। अच्छा भाई आपने बताया मुझे कि आपके जिम की फीस 500 रुपए पर भाई आप मिस्टर डेली ढोसा 19 हो प्लस मेरे को ये बताया आप IBFF में भी आपका सेकंड रैंक आया था तो आप तो कुछ भी चार्ज कर सकते थे 500 रुपए इतनी कम फीस में कम से कम चार्ज लेके अच्छे से अच्छा एडुकेशन देना चाहता हूँ कि यार क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में वो टैलेंट है कि यार कुछ करना है पर अगर हम ही 1000 रुपए 1200 रुपए पैकेज 6 महीना साल भर करो जी 6 महीने का पैकेज ले लो जी कहाँ से करेगा यार, जैसे तैसे करके उसके फैमिली चल रही होती है फिर वो सोचता है कि मेरे अंदर ही टैलेंट है पर मेरे घर की फाइनेंस जो हालत है वो ठीक नहीं है तो वो अपना मन मारता है वो फिर एक दिन भी थर्ड क्लास जिम में जाता है जहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता, तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है इनके लिए कहाँ है जिम, ये क्या ना करें ये जिम छोड़ दें, नहीं इनके लिए रॉयल जिम है
वहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे दो दो तीन दिन ट्रेनर्स हैं जो अच्छी पूरा नॉलेज देते हैं कि हाँ आपको कैसे डाइट लेनी चाहिए कैसे नहीं। अगर आपके अंदर वो बात है, हम खुद अपने पैसों से आपको आगे तक लेके जाएंगे, पर आप में वो बात होनी चाहिए। और वो होती है, लोग मारते हैं अपनी इच्छाएं कि नहीं यार कहाँ मैं 20 अंडे खा पाऊंगा, चाहे मैं जिम की फीस दूंगा मैं कहाँ से अंडे लूंगा, या फिर मैं चिकन खा पाऊंगा, ये दाल रोटी नहीं चल रही, मैं जिम जाना है 1000 रुपये फीस है यार, ठीक है। तो नहीं, मेरा कहना वो है कि नहीं, आप रॉयल में आए, अपने बारे में बताएं, ठीक है क्या परेशानी है। मेरे यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो सर मेरे आज ये प्रॉब्लम है, सर इस मंथ में नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई बात नहीं, बस तू जिम ऑफ मत कर, तेरे अंदर वो बात है तू कर, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। बहुत लड़के हैं, अगर आप ये वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि सुनीत भाई क्या ये झूठ बोल रहे हैं या फिर जस्ट एक आपके इंटरव्यू के लिए ऐसे बोल रहे हैं। उन्हें पता है इस बारे में कि मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। वो सिर्फ जिम है यहाँ पे, एकदम चमक दमक लाइट लगा रखी है, सेल्फी ले रहे हैं बच्चे वहाँ जाके, अपना भाई मैं तो इस जिम में हूँ, देखो भाई वर्कआउट जिम टाइम, नो पेन नो गेन, ठीक है। नो भाई, मेरे रॉयल में ऐसा नहीं मिलेगा, रॉयल में मिलेगा वर्कआउट, अपना आओ एक घंटा बिताओ, तरीके कुछ सीख के जाओ। ये नहीं कि देख भाई डंबल देख 20 kg का उठा रखा है, 5 kg का उठा के दिखाओ मेरे रॉयल में आके, आपकी असली ताकत रॉयल में पता लगेगी, सेल्फी जिमों में नहीं। तो यहाँ पे आए और बस, ज्यादा बजट भी नहीं है, नॉर्मल 500 में बहुत कुछ कर लोगे। अच्छा भाई, अभी हम आपके जिम में ट्रेलर बनाने के लिए आए थे कुछ टाइम पहले, तो उसमें हमने देखा था लेडीज सेगमेंट बहुत अच्छा था आपके जिम में, जबकि जिस एरिया में हमें आपको ये बताया कि मतलब मेल ही नहीं आ पाते जिम में, फीमेल्स ही कहाँ आ रही हैं, और वहीं उल्टी तरफ हम देखें तो आपके जिम में इतनी फीमेल्स हैं और वो मतलब बिल्कुल मन से एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसी किसी ने अपनी, हम बात कर रहे थे जब उनसे, जब ट्रेलर के दौरान हमने किसी से बात, उन्होंने कहा हमने 30 kg लूज कर दिया, और यहाँ पे काम करने के बाद हमें और काम करने का मन करता कर जाके, तो ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगा कि हमारे जो, हमारे इस क्षेत्र में जो लेडीज है उनको सलूट करना चाहिए, क्योंकि घर का इतना काम करने के बाद भी जिम ज्वाइन करना, अपने बारे में सोचना, अपने हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ही बड़ी बात। हर किसी को आजकल देख लो थायराइड, लेडीज प्रॉब्लम सबसे पहले थायराइड, थायराइड होना, जिनकी थायराइड थी मेरे जिम में आने के बाद उनके वो दवाइयां खाना छोड़ दिया उन्होंने। वो कहते हैं सर कि जब से हम जिम आए हैं अब तो हमें आदत पड़ गई है, एक बार को रोटी ना खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिम आना जरूरी है, अगर जिम में हम नहीं आते हैं तो लगता है हमने आज क्या मिस कर दिया। तो यही चीजें मैं सुनता हूँ उनके मुझे लगता है कि मैं और लगता है कि इनके लिए और कुछ करूँ, कि यार जब इनके मन में इतना कुछ है, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, आज मुझे 15-16 साल हो गए इस फील्ड में, मैं भी वो समझता हूँ कि एक दिन जिम ना जाना उसके बाद उसे महसूस करना यार आज क्या मिस किया मैंने, एक बार वो खाना कोई बात नहीं मिस कर दिया, नहीं खा पाया कोई टेंशन, पर जिम नहीं मिस करूंगा, ठीक है। तो ये चीज सुन के लगता है कि अब इनके लिए मैं कुछ करूं। अच्छा भाई, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो फिटनेस चाहते हैं कि भाई मैं फिट रहूं रोज डेली लाइफ में। अब जो दूसरा सेगमेंट है हमारा वो है वो लोग जो इसको एज अ करियर देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में मैं करियर बनाऊं, मेरा अपना जिम हो, मैं मतलब इससे अर्न करूं, तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेशंस होंगे, क्योंकि आप खुद बॉडी बिल्डिंग में ही आप अपना करियर बना चुके हो काफी सालों से, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही आपका करियर है, तो क्या टिप्स होंगे, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? पहले आप इसको एजुकेशन लो अच्छी तरह से, अच्छे फील्ड में जाओ, बहुत सी चीजें हैं, गोल्ड जिम है, बहुत सी जिम है, वहां पे आप जाके इस चीज को अच्छी तरह सीखो क्या बारीकियां हैं। आप जिम जा रहे हो, प्रैक्टिकली हो रहा है, पढ़ो इसके बारे में। जब आपको लगता है कि ठीक है आपने जिम नहीं भी कर पाए, अपना जिम नहीं भी खोल पाए, तो आप कहीं अच्छा ट्रेनर के रूप में आ सकते हो, कि पर्सनल कोचिंग दे सकते हो आप, कि आप उस लेवल में बनो पहले, ठीक है ना, कि नहीं यार वो भाई तो बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं, हाँ तो मुझे भी जिम, पापा मुझे जिम खोलना है, पापा ने भी जी खोल दिया, पता लगा फिर वो बाद में कबाड़े में बिक रहा है सारा सामान, तो ऐसा नहीं, फिर पता लगा आपके जो कीमती वक्त था, आपको जो अच्छा ग्रो करने का टाइम था आपने वहाँ पे वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो नहीं, आप इस तरह से ना जाएं, पहले अपना देखें कि नहीं मैं इसके लिए काबिल हूँ, मुझे जिम खोलना है, मैंने इसके लिए बहुत त्याग करा है, ठीक है, मैं अब एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे चाहे कहीं रेंट पे लेके खोलना है, मेरे पास काफ़ी अच्छा ग्रुप है हमारा, जो वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ भाई ये कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनके अंदर, वो बात नहीं है कि लोगों को फ्रॉड, मतलब यार तो आया है, हाँ ठीक है, ये है प्रोटीन का डब्बा, ये हमारा 4 दिन में 10 दिन में तुम्हें रिजल्ट, ठीक है, और इसी में तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे। उन चीज़ों से बचें, ऐसे टीचर से बचें, ठीक है ना। आप अपने बलबूते पे जितना आगे वर्कआउट कर सकते हो करो, सीखो, उससे फिर आगे सिखाओ, आपको लगता है मैं इसे इनकम भी कर सकता हूँ,
तब आप इस चीज को आगे बढ़े। आपको लगता है कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो ही आप इसमें आगे बढ़ो। ये नहीं कि वो जा रहा है तो मैं उसने खोल लिया अब तो वो कमा रहा है मैं भी कमा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेस मजबूत रखो अपना, फिर आगे बढ़ो। लाइन बुरा नहीं है, लाइन अच्छा है, पर इसमें खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसको लेके चले आगे तक। ये नहीं कि नहीं मुझे यार साल भर तक चलाना है बस जी, उसके बाद तो बस सपना नहीं, नहीं ऐसा नहीं। ये रिजल्ट देगा आपको थोड़ा लेट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप पहले अच्छी तरह से आपको टाइम है, आप पढ़ो उसके बारे में, आप सीखो फिर आगे बढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी लाइन बुरा नहीं है। अपना टाइम देने के लिए अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये क्वेरी थी कि भाई फिटनेस में हमें कुछ करना है, हमें कुछ इंटरव्यू सेशंस ऐसे चाहिए जिसमें फिटनेस रिलेटेड बातें हों। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई जो डेफिनेटली हेल्प करेगी यूथ सेगमेंट को। सो और आगे बिल्कुल भाई मैं भी ये कहूँगा कि थैंक्स यार, आपने मुझे सोचा इस बारे में कि नहीं भाई से पूछते ही, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो ठीक है वहाँ तक गए हैं, पर मेरे को आपने चुना ये बहुत बड़ी बात। अब देखते हैं, मैं भी तो यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी बच्चे को कुछ और भी पूछना है पर्सनली, तो आप अपने जो आपका साइड है उसमें आप अपना उसमें मैसेज में बोले सबको। डेफिनेटली अगर आपको जैसे कोई भी फिटनेस रिलेटेड चीज़ें अगर आपको समझनी है, अगर आपको सीखना है, आप जिम नहीं जा सकते, आपको टिप्स चाहिए जो आप ऑनलाइन ही कर सके, ऑल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन आपको पता ही है, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट है तो वो कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स देगा जो और कोई नहीं देगा। तो आप भैया के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि रॉयल एस्थेटिक नाम से, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। वहाँ पे डेली टिप्स अभी आना स्टार्ट होंगी, अभी धीरे 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 भैया यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने भैया को बताया कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप इसे ऑनलाइन करो, सोशल करो, सब लोग उसे देख सके। तो आप डेफिनेटली चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोग वो सारी चीज़ें ले सकें जो भैया आपको देना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर करें जिसको फिटनेस में थोड़ा बहुत या तो करियर बनाना है या फिर वो फिटनेस को लेकर लाइफ में परेशान है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।